कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार द्वारा बानेती पटना के सभागार में निर्यात के लिए बिहार के चिन्हित उत्पादों के पैकेजिंग का महत्व विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार बानेती पटना के सभागार में निर्यात के लिए बिहार के चिन्हित उत्पादों के पैकेजिंग का महत्व विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी का प्रसार करना, पैकेजिंग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और नवीन पैकेजिंग डिजाइनिंग और विकास मानवीकरण आदि के उपयोग के साथ निर्यात बाजार को बढ़ावा देना है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई, जो कॉमर्स मंत्रालय के अधीन है भारत सरकार के, तो उनके द्वारा आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो उसमें हम लोग कृषि विभाग से जुड़े कितने भी एक्सपोर्टर्स है और जो ट्रेडर्स है और भी कुछ बड़े बड़े किसान लोग हैं जो इसमें बेचने का काम करते हैं या एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, कुछ जीविका समूह के मेंबर्स और हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के सदस्य लोग, ऐसे लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कृषि उत्पाद हैं या इवन अन्य उत्पाद भी है, उसको हम बेचने के समय उसको सही ढंग से पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उससे मतलब एक तो है कि जो कृषि उत्पाद हैं वो जल्दी ख़राब होने से इसको बचाया जा सकता है, और दूसरे कि अच्छे ढंग से पैकेजिंग करने से हमको अच्छे मार्केट्स में इसको अच्छे दाम पर हम लोग बेच सकते हैं, उससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से आज बुलाया गया है। आज पूरे दिन भर इसका टेक्निकल सेशन चलेगा, इसमें पैकेजिंग के महत्व के बारे में बताया जाएगा, और इसी प्रोग्राम में हम लोगों ने कृषि विभाग और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई के बीच में एक MOU साइन किया गया है। उसके तहत जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई के द्वारा समय समय पर हमारे किसानों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। श्रवण कुमार ने बताया कि कृषि विपणन और मूल्य वर्धन के क्षेत्रों में विशेष रूप से काम करने के लिए वर्ष 2020 में कृषि विभाग में बिहार कृषि उत्पादन संवर्धन प्रणाली डिवीजन नामक एक अलग डिवीजन का गठन किया गया है। इस प्रभाग के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित कई पहल की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए पटना से गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट।